अच्छे बंद है, लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन अंदर आ नहीं पा रहे क्योंकि गेट बंद कर दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में लौती मेले में, जहाँ आवाम का रश देख रहे हैं आप। यहाँ पे पाँव रखने जितनी जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर चढ़ा हूँ। मैं खुद भी स्टूल के ऊपर चढ़ा हूँ क्योंकि जमीन पे पाँव रखने की अब जगह नहीं बची। यहाँ देख रहे हैं रश कितना है और वो स्टेज है और लेकिन और रश देखे आप कहाँ तक है। देख रहे हैं गेट बंद है, गेट के बाहर लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। देख रहे हैं पीछे बंद है, लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन अंदर आ नहीं पा रहे क्योंकि गेट बंद कर दिए। हाउस पैक फुल हो गया। अब यहाँ से जो है स्टेज तक का मैं डिस्टेंस आपको कवर करवाता हूँ इस वीडियो में और देखिएगा कितना रश है। गेट क्योंकि क्लोज कर दिए हैं उसके बाद से ये पूरा एक 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 सामने देख रहे हैं। यहाँ आर्टिस्ट की कन्वेंशन था यहाँ पे शाम के वक्त, वो हो गया। उसके बाद ये रास्ता है, इस रास्ते को फॉलो करते हुए राइट हैंड साइड से हम अंदर जाते हैं। वो वहाँ पे अभी इवेंट चल रहा है जहाँ मैंने आपको स्टेज दिया कि लोग बराबर जा रहे हैं लेकिन फिर भी इतना रश है अंदर कि इन्होंने गेट बंद कर दिए और आने के लोगों को जो है ना इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं उसी रोड को फॉलो करते हुए देखें मैं स्टेज के पास मतलब लॉन में पहुंच गया हूँ जहाँ पे ये कॉन्सर्ट चल रहा है। रश देख रहे हैं आप। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं यहाँ पे वो भी आ चुकी हैं और उनका इनकी परफॉर्मेंस है अभी। इंतजाम की तरफ जा रहा है और जो इस लौती मेले के जो हेड थे मतलब जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था सैफ समी जो, वो अभी लोगों से बात कर रहे हैं और इसको इस इवेंट को एंड कर रहे हैं। तो एंड में भी आप रश देख सकते हैं, ये इस इवेंट में एंड में भी अभी इतना रश है। बाकी मैं और जब लोग बाहर निकल जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग थे और बाहर की पार्किंग भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एंट्री गेट से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी बड़ी तादाद में आप लोग धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू हो गए और लोगों की कितनी बड़ी तादाद थी आप देख सकते हैं। रश देख रहे हैं हम, मेरे साथ जो चल रहा है ये सब लोग अब एग्जिट कर रहे हैं। मीन्स ये सब लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। प्रोग्राम क्योंकि बढ़ गया है लोग अब जा रहे हैं, प्रोग्राम अच्छे तरीके से बढ़ा है जा रहे हैं। और इसके साथ तीनों गेट, ये वाला गेट, वो वाला गेट और उस तरफ एक और गेट है, सारे गेट अब इसमें जो है ना उन्होंने अब खोल दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अब लोग निकलेंगे। पार्किंग का अंदाज़ा अब इससे लगा लेंगे, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता जो है इन्होंने पार्किंग पे रखा हुआ था। रोड पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की, अपनी बाइक्स पार्क किए और बिल्कुल बाहर रोड बिल्कुल जाम।
जाम था, इतनी ज़्यादा पार्किंग थी, मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं आपको पार्किंग भी एक नज़र दिखाऊंगा। प्रोग्राम एंड हो गया और कितनी बड़ी तादाद, ये सिर्फ मैं आपको अंदर की जो ना एक छोटा सा लुक दिखा रहा हूँ, बाहर से ज़्यादा। इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं बाहर का आपको माहौल दिखा रहा हूँ। ये रोड बहुत पीछे तक, तकरीबन इस तरफ से 1 किलोमीटर पीछे तक फुल था, वहाँ से 0.5 किलोमीटर फुल था, जो पूरा रोड पे मोटरसाइकिल गाड़ियों से भरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि मेरे इस तरफ, ये देख रहे हैं, मैंने अंदर आपको एक पार्किंग दिखाई थी, और एक ये मोटरसाइकिल रोडों पे भी अलग खड़ी हुई, और कार रोडों पे अलग खड़ी हुई जो पीछे है इससे ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। साथ मरियम राजपूत जो इवेंट अभी इंजॉय कर गई हैं, आप क्या कहते हैं, इवेंट कैसा था? बहुत अच्छा था, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा क्राउड था, इंजॉय किया आपने? बहुत इंजॉय। और अगर फैमिली के साथ भी आना चाहिए वो इजी में आ सकता है। देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग अब जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग निकल रहे हैं, और उस तरफ जो है उस तरफ भी एक गेट है जहाँ से लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। देख रहे हैं, ये मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखा रहा हूँ, इवेंट के जो बाहर के मनाजिर, रोड के मनाजिर हैं। ऑल इवेंट कैसा रहा मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इवेंट कैसा लग रहा है, और क्या आपको अगर मौका मिले तो आप इस इवेंट में आना चाहेंगे, ज़रूर बताएगा। ये देखिए हैदराबाद का रानी बाग है जहाँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।